हमारे साथ देवेंद्र सिंह परिहार तीखी बात में सर। 1993 से 2003 कांग्रेस की सरकार और 2003 से 2018 बीजेपी की सरकार, डिफरेंस सामने है। आपकी सरकार में ना सड़क थी न बिजली थी, क्या दुर्दशा थी मध्य प्रदेश की, और आज मध्य प्रदेश किस मुकाम पे खड़ा है, क्या किया आपकी सरकार ने? ये गलत प्रचार किया जा रहा है। सड़कें थी आपकी टाइम? हमारे टाइम पे सड़कें थी सर। सड़कों का जाल, नीमच से भोपाल कितना समय लगता? हमने शुरुआत की थी सर, मेरी बात सुनिए, नीमच से भोपाल कितना समय लगता था सड़क रूट से? है सड़क रूट से उस टाइम पे हम 8 घंटे 10 घंटे में पहुंचते थे, और आज? आज भी वही है, कहां 8 घंटे में पहुंचते हैं। फोर लाइन है सर, अच्छी सड़क है सर, आपके समय तो गड्ढे गड्ढे थे, सड़क कहाँ थी सर, जवाब दीजिए। नहीं नहीं सड़क थी, गड्ढे वाली सड़क थी सर। नहीं नहीं देखो क्या है कि हमने शुरुआत की थी, हमने शुरुआत की थी और धीरे धीरे चल रहा। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि 3 में दिग्विजय सिंह जी ने कहा था कि मैं 7 में आपको 24 घंटे लाइट दूंगा, और बीजेपी ने भी जब बैठने के बाद, क्योंकि जो ओकारेश्वर डैम और खंडवाला डैम ये कांग्रेस शासन ने बनाया था, तो उत्पादन बाद में हुआ तो श्रेय ले। इसी तरह ये रोड के जो कई प्रोजेक्ट हैं कांग्रेस ने बनाए थे, लेकिन श्रेय ये ले ली, जैसे मोदी जी ले रहे हैं वैसे ये भी ले ली, ऐसी कोई बात नहीं। किसानों की बड़ी दुर्दशा थी आपके समय में, और आज किसान कहाँ है? किसानों की दुर्दशा नहीं थी, खुश थे, खुशहाल थे, खुशियां मनाते थे, ट्रैक्टर भर के लाते थे लहसुन और मोटरसाइकिल लेके जाते थे। आज राहुल जी कहते हैं हम लहसुन चाइना में जाके बेचेंगे। सर चाइना में तो वैसे लहसुन पैदा होते हैं, अभी कहा था राहुल जी ने, शायद आपको जानकारी होगी। हाँ उनको आपने पहले उनकी स्क्रिप्ट तैयार नहीं करी कि लहसुन कहाँ बेचना? नहीं नहीं नहीं, उनका कहने का तात्पर्य कुछ और था। ये तो आप घुमा रहे हैं हमको। नहीं घुमा नहीं रहा हूँ, उनका कहने का तात्पर्य ये था कि जो आज चाइना से हम मंगा रहे हैं क्या, हम वही चीजें हम चाइना को बेचेंगे, हम वो को बेचेंगे। तो चाइना में लहसुन पहले ही पैदा होता है सर, चाइना में लहसुन ऑलरेडी पैदा होता है, ये लहसुन को चाइना में कौन खरीदेगा? लहसुन तो भारत में ही पैदा होता है, तो चाइना से ले रहे कि नहीं ले रहे हम? नहीं चाइना से ले रहे, वहाँ की रेट कम है, यहाँ से वहाँ की रेट कम है, 1500 रुपये अपना लहसुन सस्ता है। तो ये तो बीजेपी की देन है ना। अब आपने जो बात कही कि ये लहसुन और ये सोयाबीन वगैरह क्या था, कांग्रेस के राज में 5000 था लहसुन, 7000 8000 बिके, आज क्या है? आप जाइए मंडी में 100 रुपये से लेके 400 रुपये 500 रुपये। उन्होंने एक बात और कही थी कि 10 साल में मैं लहसुन को चाइना बेचूंगा, 10 साल और मांगे उन्होंने, ये साल तो गए, 10 साल और उनको चाहिए, क्या मानते हैं? नहीं नहीं 10 साल वगैरह तो नहीं, नहीं कहा सर उन्होंने। एक बात बताओ, फूड प्रोसेसिंग प्लांट हर किसान के खेत पर लगेगा। हाँ। अच्छा मुझे बताइए, अमेठी से उनके पिताजी सांसद रहे, सोनिया जी सांसद रही, स्वयं राहुल भी सांसद वहां से रहे, वहां कितने फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगा दिए आपने किसानों की खेती पे? नहीं अब अभी की बात की उन्होंने मनसूर जिले की, नहीं वो तो अब सत्ता मानने के बाद की बात करी। अरे सर वो तो उनके 10 साल आपकी सत्ता थी ना, मनमोहन सिंह सरकार, कितने प्लांट लगे अमेठी में बताइए सर। नहीं नहीं अमेठी में विकास हुआ है, बहुत विकास हुआ, हुआ। नहीं तो हर बार जो आप राहुल गांधी जी ऐसे जीत के आ रहे हैं क्या, बिना विकास के? आजकल आज जनता बहुत समझदार हो गई है, बहुत बुद्धिजीवी है क्या? आज आप देख लो अच्छे अच्छे मंत्री मुख्यमंत्री हार रहे हैं, और मीनाक्षी जी हार गए जो राहुल गांधी जी के कैबिन की मेंबर हैं, 3 लाख से ऊपर से हारी है सर। नहीं एक तो क्या मीनाक्षी जी जो क्या कि हमारे जिले की नेता है। आपने लोगों का काम नहीं किया शायद, पार्टी में फूट थी क्या सर? नहीं 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 पार्टी में कभी फूट नहीं रहा, पार्टी में हमेशा क्या होता है कि विचारधाराओं में फर्क होता है, कार्य करने के उसमें फर्क होता है। इस बार मीनाक्षी चुनाव लड़ेगी तो कैसे स्थिति रहेगी? 101% जीतेगी, 100% श्योर कह रहे हैं आप? अंदर से कह रहे हैं? बिल्कुल अंदर से कह रहा हूं। काम करेंगे आप पार्टी का? पार्टी का काम करूंगा। बहुत सारे ऐसे लोग तो कह रहे हैं मीनाक्षी को यहां से विदाई दे दो, है? बहुत सारे कांग्रेस के लोग तो कह रहे हैं विदाई दे दो। नहीं जो हो सकता है कोई नाराज है भाई, हम देखो मीनाक्षी से पहले हम कांग्रेसी हैं जी, और हर कांग्रेसी का ये फर्ज है जी कि आप अपने उम्मीदवार के लिए किस हद तक काम कर सकते हो और कांग्रेस का झंडा लहरा सकते हो, जब तक आदमी को काम करना चाहिए। अगर किसी की सोच ऐसी है कि हम मीनाक्षी जी को निपटा देंगे या हरा देंगे तो ये उनकी सोच गलत है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि मीनाक्षी जी को सभी को साथ लेके चलने की आवश्यकता है। मैं एक वरिष्ठ आदमी के नाते कह रहा हूँ जी, जी।
18 में चुनाव हो रहे हैं, कितनी सीटें ला रहे हैं मध्य प्रदेश में आप? हम ये मान के चलिए कि 20 से ऊपर आएगी हमारी सीटें, लोकसभा की सीटें 20 से ऊपर आएगी। नहीं नहीं, 18 में विधानसभा चुनाव की बात कर, विधानसभा, विधानसभा में हमारा स्पष्ट बहुमत आएगा, 2/3 बहुमत आएगा। आपको पूरा विश्वास है? पूरा विश्वास है। 15 साल शिवराज सरकार कांग्रेस विपक्ष में, एकता कांग्रेस में आज भी नजर नहीं आती है सर, तो कैसे सरकार बनाएंगे आप? ऐसा है, शिवराज जी के राज में 2,00,000 करोड़ का जो कर्जा हुआ है वो कहाँ से ला के दोगे आप? वो आप चुकाएंगे सरकार है? में तो आप चुकाएंगे है? वो आप चुका देंगे सरकार में आएंगे तो? वो तो हमें चुकाना ही पड़ेगा क्योंकि हमें तो आना है और चुकाना ही पड़ेगा। ये बीजेपी वाले ये ऐसे ही खेल खेल रहे हैं ये कि अगर नहीं आए तो कांग्रेस मरे और आ गए तो देखा जाएगा, और उधार ले लेंगे 2 की जगह 4,00,000 करोड़ कर लेंगे। लेकिन राज करना, हम इस बात को मानते हैं कि राज करना कांग्रेस को आता है और विरोध करना बीजेपी को आता है। मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह बनेंगे, कमलनाथ बनेंगे, सिंधिया बनेगा, कौन बनेगा? नहीं, हमारे यहाँ क्या कांग्रेस में ये पहले डिक्लेयर करने का रिवाज नहीं है। क्यों, डर लगता है क्या? नहीं, डर नहीं लगता, हम प्रजातंत्र के हिसाब से चलते हैं। डर लगता है ना, डर लगता है ना सर, अगर अपना नाम प्रोजेक्ट कर दे तो क्या पता वो जीत के आएगा नहीं आएगा, फूट हो जाएगी, गुटबाजी हो जाएगी, क्योंकि गुटबाजी इतनी पसरी हुई ना कांग्रेस में। नहीं नहीं नहीं, हम क्या है कि जो विधायक चुन के आते हैं जी, विधायक से राय ली जाती है, विधायकों से तो अगर विधायक से राय नहीं ली तो वो फिर प्रजातंत्र नहीं है और कांग्रेस प्रजातंत्र तरीके से चलती है, यही हमारा विजन है। क्या, क्योंकि बीजेपी ये थोपने का काम बीजेपी का है क्योंकि वहाँ कोई बोल नहीं सकता है। कभी आप आरएसएस की किताबें पढ़ी है, आरएसएस को देखिए आपकी क्या है, डीप में जाइए, ये वही आरएसएस हैं। मैं आपकी थोपने की बात पर एक बात कहता हूँ कि राहुल गांधी सोमवार को तालकटोरा स्टेडियम में ओबीसी का एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी की तुलना कैसे बताई? उन्होंने कहा कि एक बस में कांग्रेस लोगों को डाल देती है और चाबी जनता को सौंप देती है, जनता उसको चलाती है, और बीजेपी उस बस में जनता को डालती है और चाबी आरएसएस के हाथ में थमा देती है और ये कहती है कि कोई एक शब्द नहीं बोलेगा जो गाड़ी चल रही है। तो क्या जो राहुल गांधी कहते हैं कि वो चाबी जनता को सौंप देंगे, क्या वो गाड़ी सही चला पाएगा? 70 आदमी उस गाड़ी को चला पाएंगे, जनता को चाबी सौंप रहे हैं वो, क्या एक्सीडेंट नहीं होंगे, क्या दुर्घटना नहीं होगी? क्या बयान था सर उनका, अगर आपने सुना हो तो? नहीं नहीं, आप क्या है कि उसका गलत मतलब निकाल रहे हैं, सही आप बता दीजिए। हाँ तो सही मैं बताता हूँ ना, जनता से मतलब ये है कि जनता की भावनाओं के अनुरूप कार्य करेंगे, ये भी कहना उनका। आप उसको अदरवाइज मत लीजिए कि वो 70 आदमी आ गए या 50 आदमी आ जाए वो चला, वो नहीं, जनता जनता है, मतलब जनता की जो भावना है उस भावना की कदर करते हुए हम लोग सरकार चलाएंगे। सरकार आप चलाएंगे, सरकार आप बना रहे हैं मध्य प्रदेश में इस बार। देवेंद्र जी, मिलेंगे आपसे इलेक्शन के बाद में, कौन किसकी सरकार बनेगी, आपकी बनेगी तो मिठाई आप खिलाएंगे, बीजेपी बनेगी तो देखें कौन मिठाई खिलाता है। धन्यवाद, थैंक यू।